बचपन में जब मैं 15-16 साल का था तो स्कूल में भी ऐसे टीचर्स बोलते थे कि तू तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी मैं गेम में काफी अच्छा कर रहा हूँ, तो अब मैं फोन को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से मेरा एक सवाल है, अगर आप सिर्फ 4 फुट के हैं, अगर बचपन से ही कोई आपको बौना कह रहा है, कोई आपको नाटा कह रहा है, कोई आपको ठिंगू कह रहा है, अंग्रेजी वर्ड यूज करें, कोई आपको ड्वार्फ कह रहा है, आप उम्मीद के साथ स्कूल जाते हैं, टीचर कहते हैं कि भैया आपके बस का कुछ है नहीं, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों हम सब जानते हैं यहाँ पे एक आम इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने में कितनी मुश्किल होती है, और ऐसे में अगर आपकी हाइट सिर्फ 4 फीट की हो तो आपकी जिंदगी इस देश में नर्क बनना तय है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे एक ऐसे चैंपियन खिलाड़ी की कहानी जो है सिर्फ 4 फीट का, लेकिन उसने उम्मीद नहीं मानी और अब सिर्फ अपने हिम्मत के दम पर वो ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल लेने का बहुत बड़ा दावेदार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे एक शानदार खिलाड़ी की जिसका नाम है नवदीप। मेरा नाम नवदीप है, मैं F41 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो करता हूँ और मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। बचपन में जब मैं 15-16 साल का था तो स्कूल में भी ऐसे टीचर्स बोलते थे कि तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं और ना पढ़ाई में मैं अच्छा था, तो वो बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी मैं गेम में काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, तो अब वो उनके लिए काफ़ी मेरे को उनको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों आप कहाँ पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, किस रंग के होते हैं, किस धर्म के होते हैं, किस घर में पैदा होते हैं, इसका आप पे कोई कंट्रोल नहीं होता जब आप पैदा हो रहे हैं। नवदीप की कहानी भी कुछ ऐसी थी, दिल्ली के पास पानीपत में वो पले बड़े और जब बड़े हुए तो बड़े ही नहीं, 4 फीट के ही रह गए, लोग उन्हें उल्टा सीधा कहने लगे। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो हताश हो जाते, मायूस हो जाते, या फिर कुछ करते, क्योंकि पीछे देखने का तो कोई सवाल ही नहीं था, और उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। वो दिल्ली आए, सबसे पहले उन्होंने कुश्ती करने की कोशिश की, क्योंकि कुश्ती से हुआ ये कि वो कोई बहुत बड़ा नाम तो नहीं कमा पाए, लेकिन उनके शरीर में ताकत आ गई। पहले कुश्ती करता था, उसके बाद फिर मैंने चेंज किया अपना इवेंट, फिर मैंने रनिंग शुरू किया और फिर फाइनली 2017 में मैंने जेवलिन शुरू किया। ऐसे में उनका सामना हो गया एक बहुत ही शानदार कोच नवल सिंह से। अब नवल सिंह के बारे में जो एथलेटिक्स में जानते हैं वो जानते हैं कि वो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, वो खिलाड़ियों को अच्छे से तराशना जानते हैं, खासकर जेवलिन थ्रो के वो मास्टर हैं, चाहे भारत के जितने भी बड़े बड़े नाम हों, चाहे वो दीपा मलिक हों, चाहे वो नीरज चोपड़ा हों, सबको नवल सिंह के हाथों ने तराशा है। खैर ये और बात है कि अब कोई उन्हें क्रेडिट देता है या नहीं देता है, लेकिन नवदीप भी नवल सिंह जी के पास गए। अब नवल सिंह ने इन्हें तराशा, इन्हें समझाया और ये खुद मानते हैं। आइए सुनते हैं कि जब इन्होंने जेवलिन फेंकना शुरू किया था तब इनके लिए कितने मुश्किल हालात थे। मैं जेवलिन पकड़ता था तो मेरे लिए काफ़ी लंबा था, और जब मैं उसको थ्रो करता था तो वो नीचे ज़मीन में टच होता था, तो उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती थी। तो मेरे कोच ने मेरी टेक्निक में सुधार कराया, तो उसमें उससे फिर मेरे को और बेहतर मेरे कोच ने बनाया, मेरे कोच ने काफ़ी अच्छी मेरे को टेक्निक बताई, जिससे अब मतलब मेरी जेवलिन नीचे नहीं टच होती। तो ऐसे करके मेरे कोच ने मेरे को बहुत ज़्यादा फोकस किया। सबसे पहले वो मेरे को थ्रो करवाते थे, और शुरुआत में सुबह आते थे, सबसे पहले थ्रो मेरी करवाते थे, बाकी सबको बाद में देखते थे। तो इस चीज़ से उन्होंने मेरे मतलब ध्यान दे के मेरे को काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया। तो दोस्तों धीरे धीरे नवदीप में वो कॉन्फिडेंस आया, वो हिम्मत आया, वो इस माहौल से बाहर जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जाने लगे तो उन्हें लगा कि वो भी किसी और की तरह ही एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, और फिर धीरे धीरे उनका प्रदर्शन और अच्छा होता गया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये टोक्यो जाने से पहले दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करीब 40 डिग्री की धूप में हुए ट्रायल्स की हैं, और इसमें उन्होंने 43.78 मीटर्स जेवलिन फेंकी, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 50 सेंटीमीटर कम है। इस समय वो रैंकिंग में 3rd स्थान पे हैं, यानी लगभग उनका मेडल पक्का है अगर वो इसी तरीके से फेंकते रहे। खैर ओलंपिक्स के दिन क्या कुछ हो जाता है ये तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन सिर्फ आपका हौसला आपको कहां तक ले जाता है ये उसकी बहुत बड़ी कहानी है। दोस्तों मेरा एक आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखकर आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें आपकी मानसिकता पता चलती है, आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं। जब नवदीप ये स्टोरी देखेगा हम उसे भेजेंगे, उसके नीचे वो पढ़ेगा कि लोग किस तरीके से उसकी हौसला अफजाई करते हैं।
तो इसीलिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन तो दबाइए। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे उसी से हमें पता चलेगा कि इनकी स्टोरी ने आपको कितना टच किया है। खैर, नवदीप तो जा रहे हैं ओलंपिक्स और वो काफ़ी कुछ अभी तक हासिल भी कर चुके हैं, लेकिन सोचिए इस देश में एक ऐसा 4 फुट का चैंपियन जो है उन लोगों को उम्मीद दे रहा है जिनकी अपनी कोई गलती नहीं है, लेकिन कुदरत ने उन्हें उस हाइट का बनाया है, उतनी से ज़्यादा उनको लंबाई नहीं दी है, एक उम्मीद जगाई है लोगों को कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और सैल्यूट है ऐसे खिलाड़ियों को, और सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो अपने हालात से समझौता नहीं करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और मानो जो सक्सेस है वो किसी के मुँह से छीन लेते हैं। घर वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि पापा भी पहले गेम करते थे तो उनको पता था कि गेम की अहमियत क्या होती है, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली में सबने मेरे को अच्छा सपोर्ट किया, तभी फिर मैं आज अच्छा गेम कर रहा हूं। खेल की यही तो खासियत है दोस्तों, खेल खिलाड़ी को क्या सिखाता है, ये आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है, आपको हार ना मानने की एक सीख देता है। हमारा अगर आप स्पोर्ट्स स्टूडियो चैनल देखेंगे और जो तमाम वीडियोस अगर हम आप हमारे कंटेंट पे जाएंगे और देखेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ क्रिकेट 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 नहीं मिलेगा, लेकिन क्रिकेट के अलावा जो बाकी खेल हैं, बाकी जो खिलाड़ी हैं, बाकी जो हौसला अफजाई की कहानी है वो भी आपको मिलेगी। दोस्तों हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम हौसले की उड़ान जो उसका नाम है, और आप देखेंगे कि उसमें हमने काफ़ी सारे स्टोरीज को अभी तक शुरू करने का की कोशिश की है। आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ एक ऐसी जर्नी का हिस्सा बनिए जो इस देश में खेल के आयाम को बदलने के लिए आए हैं। हम सिर्फ यहाँ क्रिकेट दिखाने नहीं आए हैं, लेकिन बाकी खेलों के बाकी चैंपियन खिलाड़ियों की कहानी भी हम आप तक ज़रूर लाएंगे, इसीलिए हम आपकी हौसला अफजाई चाहते हैं। तो नवदीप की कहानी आपको कैसे लगी, आपने इसे क्या कुछ सीखा, आप ज़रूर हमें कमेंट में लिखिए। किसी दिन हम नवदीप को लाइव आपके सामने लेके आएंगे, तब आप लाइव भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइव अपने कमेंट के जरिए हमें सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों बस इसी तरीके का रिश्ता आपका और हमारा आगे भी बनता जाए, इसी की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।